ये है दिल्ली दर्पण। होडल के गांव औरंगाबाद में बीजेपी के मुख्यमंत्री द्वारा की गई विजय संकल्प रैली पर यहां के भावी प्रत्याशी हर्ष कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीजेपी की रैली फ्लॉप थी। हर्ष कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री इस रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए 200-200 रुपए में लोगों को इकट्ठा किया गया था। इतना ही नहीं, अपनी भाषा की मर्यादा भूलते हुए हर्ष कुमार ने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशियों का स्वागत चप्पलों से किया जाएगा। जब ये गांवों में जाएंगे तो लोग हमारा ही चुनाव चिन्ह से उनका स्वागत गले में घेर के करेंगे। हमारा जो चुनाव चिन्ह है ये गरीब का साधन है, सफाई का प्रतीक है, बेईमान का इलाज है और हथियार भी है। जब कहीं कोई महिला की बात आती है, कोई महिला के साथ बदतमीजी करता है तो यही कहती है अब दूं तेरे में चप्पल उतार। जजपा नेता और पूर्व मंत्री जगदीश नायर ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस रैली में बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर दलित नेता राम रतन का जो अपमान किया वो पूरे दलित समाज का अपमान है जिसे दलित समाज सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी का जनाधार खत्म हो चुका है और जजपा में लोग अपनी आस्था जता रहे हैं। साथ लेकर समान विकास की बात करने वाले लोग एक अद्भुत जैसा माहौल बना गए और वो रोते रहे। मैंने उस वीडियो को देखा है, वो स्टेज पर रोते रहे और किसी भी बीजेपी नेता ने उनको समझाने का प्रयास तक नहीं किया और मुख्यमंत्री जी ने अकेले एक पूर्व विधायक जी का अपमान नहीं किया है, सारे हरिजन समाज, सारे दलित समाज का अपमान किया। जनता किसमें आस्था दिखा रही है और अपमान किसका हुआ है ये सब इस लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ कर देंगे। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए होडल से हरिओम भारद्वाज की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर